बाद 2014 से लेकर 2022 तक लोकसभा और विधानसभा में विधानसभा सीट पर प्रदर्शन भाजपा का बेहतर रहा, मगर हाल ही में हरिद्वार में हुई विधानसभा चुनाव में भाजपा का बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। और जब भाजपा की चुनावी रणनीति तैयार हो चुकी है, जिस पर पंचायत चुनाव को लेकर फतेह करना सबसे बड़ी चुनौती बन गई। हालांकि भाजपा पूरे कॉन्फिडेंस में पंचायत चुनाव को लेकर आगामी 2024 के चुनाव में अपना प्रदर्शन युवा मुख्यमंत्री और युवा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बेहतर करेगी। हाल ही में हुए चुनाव को टेलर बताते हुए पिक्चर 2024 में दिखाने की बात कर रही है। चंपावत चुनाव में युवा मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करके ये साबित कर दिया है कि नए कीर्तिमान कैसे स्थापित किए जा सकते हैं। मेरे संगठन और सरकार का जो तालमेल नजर आया, एक मजबूत चेहरा, एक युवा चेहरे के रूप में जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री ने अपनी एक परफॉर्मेंस दिखाई और उस परफॉर्मेंस के बाद उत्तराखंड की जनता ने उस पर मोहर लगाई, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए वो फॉर्मूला हम अब 2022 में लेके जाएंगे। अब तो हमारे पास युवा मुख्यमंत्री के साथ साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और संगठन भी पूरी तरह से युवा है। वहीं विपक्ष भाजपा पर वार करते हुए सरकार के अब तक के कामों की चर्चा कर रहा है। 1.5 साल धामी सरकार मुख्यमंत्री होने के बावजूद धरातल पर कोई काम नजर नहीं आया, जिसका जवाब अब मुख्यमंत्री को देना होगा। तभी जनता तय करेगी कि अब तक प्रदेश में भाजपा की सरकार ने ना बेरोजगारी, पलायन, महंगाई जैसे मुद्दों पर कोई काम नहीं किया। और बात रही चंपावत चुनाव की, वह एक अलग परिवेश में लड़ा गया था। जब आगे सरकार चुनाव को लेकर सामने आएगी तो इसका जवाब बेहतर तरीके से कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले ये बताना होगा कि 5 साल में सत्ता में रहकर उन्होंने इस प्रदेश के लिए क्या उपलब्धियां हैं, और जो 1 साल अब ये सरकार पूरा करेगी आने वाले समय में, जब नगर निकाय चुनाव होंगे तो सरकार को अपने 1 साल की उपलब्धि बतानी होगी और धामी सरकार को अपनी 1.5 साल की उपलब्धि बतानी होगी। बेरोजगारी चरम पर है, युवा सड़क पर रोजगार के लिए तड़प रहा है, महंगाई आप देख रहे हैं क्या हाल है इस प्रदेश का। प्रदेश की कम से कम 250 से 300 सड़कें भी बंद पड़ी हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस बार हरिद्वार का पंचायत चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह होने जा रहा है, क्योंकि अब तक हरिद्वार में कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा के मुकाबले बेहतर रहा है। और यही वजह है कि इस बार पंचायत चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव का निर्णय भी घोषित कर सकते हैं। क्षेत्र का विस्तार ज्यादा हुआ है, तो ऐसे में जो मत प्रतिशत है उसमें भी बदलाव आया है। वोटर्स जो पहले ग्रामीण वोटर्स था, उनमें से अब काफी वोटर्स शहरी क्षेत्र में आ गया है। तो देखने वाली बात होगी कि अब पंचायत चुनाव किस तरह का मोड़ लेता है। हालांकि अभी अधिसूचना जारी होने में अब ज़्यादा समय नहीं है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पंचायत चुनाव का रुख किस तरफ जाता है। वर्तमान में जो उत्तराखंड की सत्तारूढ़ सरकार है, इसके लिए भी हरिद्वार पंचायत चुनाव एक बड़ी चुनौती रहेगा, या ये कह सकते हैं कि यह 2024 के लिए हरिद्वार से भाजपा का लिटमस टेस्ट भी इसको कहा जा सकता है। अभी तक देखा जाए तो पंचायत चुनाव में बसपा व कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। यही वजह है कि चुनाव से पहले भाजपा की योजना दोनों दलों से सेंध लगा था, उसे कमजोर करने की है। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि अब जिला हरिद्वार में हुए चुनावी नुकसान की भरपाई और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ पंचायत चुनाव में भाजपा चंपावत फॉर्मूले में अपना प्रचंड दिखा पाएगी, या फिर इतनी सेंधमारी के बाद भी बेहतर प्रदर्शन करने में विफल रहेगी। अब यह चुनाव अन्य विपक्षी दलों के लिए महत्वपूर्ण बन चुका है, क्योंकि उनकी अभी तक चुनावी भूमिका मजबूत नहीं है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं कि आखिर ये पंचायत का चुनाव कितना अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से हरिद्वार में भाजपा का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लगातार मजबूत होता जा रहा था, ये काफी कुछ कह रहा था, ये काफी चीजों को बदल सकता है, आने वाले चुनावों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। इसी को लेकर आज विस्तार से बातचीत होगी। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से रणनीति अब भाजपा ने भी तैयार करनी शुरू कर दी है,
क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत बीजेपी को उठानी पड़ी थी हरिद्वार सीट की बात की जाए। आज इसी पर विस्तार से बातचीत होगी। कई खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको हम उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ में राजेंद्र चौधरी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। अमरेंद्र बिश्व जी हमारे साथ में हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही पीसी थपलियाल साहब हैं, वरिष्ठ यूकेजी के नेता हैं। भगीरथ शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का आज की हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बधाई, लेकिन शुरुआत में बीजेपी के प्रवक्ता के साथ करना चाहती थी। फिलहाल हमारे साथ में जुड़े नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को जोड़ लेते हैं। राजेंद्र जी, आप बताइए, पंचायत का चुनाव बताया जा रहा है कि भाई आने वाले चुनावों पर भी कहीं ना कहीं बड़ा असर डालेगा, तैयारी कितनी है कांग्रेस पार्टी की? नहीं, कांग्रेस पूरी रूप से तैयार है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें सिर्फ पार्टी लाइन पे जिला पंचायत अध्यक्ष का और सदस्यों का चुनाव होता है। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जो चुनाव है वो पार्टी लाइन पे नहीं होता है। लेकिन जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो आता है वहाँ थोड़ा बहुत पार्टी का रोल रहता है, वरना ग्राम प्रधान, ग्राम सभा के सदस्य और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव है वो आज तक कभी भी पार्टी लाइन पे नहीं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का जनाधार बहुत बड़ा है। और पिछले दिनों से जो ये महंगाई है, जो किसानों की परेशानियां है, युवाओं में बेरोजगारी है, उसका एक अच्छा खासा आक्रोश भाजपा को देखना पड़ेगा जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव। रही बात दूसरी के, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ चाहे वो ब्लॉक प्रमुख रहे हों या जिला पंचायत के चेयरमैन रहे हों, जिनके पास प्रस्तावक के अलावा कोई वोट नहीं थी, उनकी जेब में निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जरूर था। तो ऐसी परिस्थिति ना हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि उत्तराखंड में कम से कम ऐसा ना हो। दूसरी चीज गरिमा, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि पंचायत राज एक्ट जो है ये लोकतंत्र की सबसे मजबूत और पहली सीढ़ी है। भारत का संविधान ये कहता है कि प्रत्येक गांव की प्रत्येक गली में, प्रत्येक वार्ड में जनता का एक निर्वाचित प्रतिनिधि होना चाहिए जो उनकी आवाज उठा सके, उनकी समस्याओं के लिए लड़ सके। यही इसका उद्देश्य है। और ये जो इसमें बार बार जो है ये पीछे हटाया जा रहा है, ये पंचायत राज एक्ट के मूल अवधारणा के विपरीत है। ठीक है, ठीक है। कमलेश उनियाल जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कमलेश जी, अब बताइए, चंपावत वाली धार भला कितना असरदार होने वाली है आपके लिए? देखो, हमारी भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, चाहे वो एक संगठन का हो या अपना सरकार में विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, हर चुनाव को एक रणनीति के हिसाब से लड़ती है और माइक्रो लेवल पे एक पूरे मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ा जाता है। और जिसमें हमारी सरकार अगर अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में एक पूरा संगठन एक मन और एक राय होकर के निरंतर कार्य करता और जीत दिलाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में पूर्व में ही जैसे अन्य चुनाव हमारे विधानसभा के या लोकसभा के 2024 के मद्देनजर जो हमारे लोकसभा के चुनाव है, तो हम लोग को चुनाव मोड में हमारा जो कार्यकर्ता नियंत्रण रहता है और तैयार रहता है। और ये नहीं, इसके अलावा कई ऐसे करणीय कार्य हैं संगठन को और मजबूत कैसे बनाया जाए वो हमारे संगठन के नियंत्रण करते रहते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उद्देश्य खाली चुनाव लड़ना ही नहीं है, एक विचारधारा के तहत राष्ट्र हित के लिए और राष्ट्र को मजबूती के लिए कार्यकर्ता का यहाँ पे निर्माण किया जाता है, जो निरंतर एक्टिव रहता है और उसी एक्टिवनेस की एक एक मतलब एक कड़ी है चुनाव में, जिसके लिए हम सदैव तैयार रहते हैं।
ठीक है, यानी आपकी ओर से जो तैयारी है वो पूरी तरह से कर ली गई है, लेकिन ये तैयारी कितना असरदार होगी इसको लेकर भी हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान और भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। थपलियाल साहब हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार भगीरथ शर्मा जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। भगीरथ जी के पास पहले चलते हैं। भगीरथ जी, आप इन सारी चीजों को किस तरह से देख रहे हैं, क्या लगता है ये चंपावत वाली धार कितनी असरदार होगी? मैं चाहती हूँ कि विस्तृत रूप से आप जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। देखिए, निश्चित रूप से जो हरिद्वार जनपद में जो पंचायत चुनाव होने हैं और जिन्हें कतिपय कारणों से लगातार विलंबित किया जा रहा है या परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो समय पर हो नहीं पाया, और उसके जो लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई जो ग्राम पंचायत है लोकतांत्रिक व्यवस्था की, वहां से लेके जिला पंचायत तक जो गांवों की जो समस्याएं और जो वहां के स्थानीय स्तर पर जो काम होते हैं उनमें गतिरोध आया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिला स्तर पर जो जिला योजना समिति है, तो जिला योजना के जितने भी काम होते हैं तो उस समिति के माध्यम से अनुमोदन के उपरांत तो उनको जो है धरातल पर उतारा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हरिद्वार जैसा विशाल आबादी वाला और क्षेत्रफल वाला जिला, जहाँ पर समय पर पंचायतों के चुनाव नहीं होते ना, निश्चित रूप से वहाँ के जो विकास की जो हम बात करते हैं। बिल्कुल भगीरथ जी, भगीरथ जी आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, आपकी पूरी बात को हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकना पड़ रहा है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की। सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर वन टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, रखे सब कंट्रोल। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करप हैं, करेक्ट होता है बाबूजी, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो समस्त नगर निकायों के हर घर तिरंगा अभियान के आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली पहुंचे हुए हैं यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी, और क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। हर घर तिरंगा अभियान हमारा प्रारंभ हो रहा है, वो कल से शुरू हो जाए और ये आज ही हमारी रूपरेखा बन जानी चाहिए, और हमारे जितने भी ध्वज हैं वो ध्वज कल से लग जाने चाहिए, और इस प्रकार की व्यवस्था हम सब लोगों ने यहाँ पर अपने अपने स्तर से ही करनी होगी, क्योंकि मॉनिटरिंग अभी एक दो दिन के अंदर बहुत ज़्यादा न तो कोई करने वाला है, न ही ये कोई जबरदस्ती का कार्यक्रम है, यह तो स्वतः स्फूर्त कार्यक्रम है, इसलिए स्वतः स्फूर्त होकर हम सभी इसमें भाग लेंगे, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए भी एक हमारे लिए एक शिक्षा का एक आगे आने वाला ये लेसन होगा कि आने वाले समय में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं इसके बाद हम अमृत काल में प्रवेश करेंगे, और अमृत काल में जो 25 साल का समय है 47 तक का, ये 25 साल भारत की दिशा और दशा को तय करने वाले हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, हर दिशा में आगे बढ़ा है। आज भारत कोई पिछलग्गू भारत नहीं रहा, भारत कोई दब्बू भारत नहीं रहा, आज समरस भारत,
समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत, ऐसा भारत जो दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, हर भारतवासी के मन में इस विचार को लाने का काम हुआ है। कभी निराशा और कभी घोर अंधकार का जो भाव था वो भाव समाप्त हुआ है। आज भारत को पूरी दुनिया मान सम्मान से देख रही है। भारत के अंदर भारत की पहचान दुनिया के देशों में बढ़ गई है। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए इस राष्ट्रभक्ति के ओत प्रोत कार्यक्रम में हम सबको अपना योगदान देना है। मैं इतना ही सब आपसे निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता। तो आप सुन रहे थे पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने वर्चुअली इस कार्यक्रम में भाग लिया और कई अहम बातें कहते हुए नजर आए थे। और अब वापस अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये जो चंपावत वाली धार है ये कितना असरदार होने वाली है, क्योंकि अब तक 2014 से लेकर 22 तक लोकसभा चुनाव हो और विधानसभा चुनाव हो, विधानसभा सीट पर प्रदर्शन भाजपा का बेहतर रहा है, लेकिन हाल ही में हरिद्वार में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भाजपा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई और तब भाजपा की चुनावी रणनीति जो है उस चीज को देखते हुए अब नए सिरे से तैयार हो चुकी है, और जिस पर पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी चुनौती से फतह करना है। हालांकि भाजपा पूरे कॉन्फिडेंस में पंचायत चुनाव से लेकर आगामी 2024 के चुनाव में अपना प्रदर्शन युवा मुख्यमंत्री और युवा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बेहतर करेगी। हाल ही में हुए चुनावों को टेलर बताते हुए पिक्चर 2024 में दिखाने की भाजपा बात कर रही है, लेकिन क्या वाकई में बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोशिश कर रहे थे, भले उन्होंने पार्टी को प्रदेश में एक अच्छे नंबर के साथ आगे लेकर गए, लेकिन खुद चंपावत से वो हार गए, जिसके बाद खटीमा से वो उनकी हार हुई थी, जिसके बाद चंपावत में उपचुनाव हुआ और फिर चंपावत से उन्होंने जीत हासिल की और अब जाकर वो पूरी तरह से यहाँ पर आगे बढ़ पाए हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो हार है ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि उत्तराखंड में जीत होने के बावजूद बड़ी समस्याएं बीजेपी के सामने आई, और इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से कमलेश उनियाल जी भी जुड़ चुके हैं। कमलेश जी को ही जोड़ लेते हैं। कमलेश जी, अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विधानसभा के चुनावों में खूब अच्छे से जीत हासिल की, लेकिन खटीमा से पुष्कर सिंह धामी का हार जाना बड़ा नुकसान पार्टी को पहुंचा गया था, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चंपावत में कितनी कड़ी मेहनत है, मतलब दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तक को बुला लिया गया था। आप समझ सकते ना कि डर पार्टी को पूरी तरह से सता रहा था। ऐसे में आपको लग रहा है कि कहीं इसका जो असर है वो बड़ा पड़ेगा या फिर पूरी तरह से पिक्चर जो है वो बदल जाएगी? और अगर ऐसा होगा भी तो कैसे, क्योंकि अब तक इतनी जल्दी कौन सा कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं मारा गया अब तक, तो किस बिना पर ये बात पार्टी कह रही है कि हम बड़े अंतराल के साथ 2024 में जो है कोई नया रिकॉर्ड खड़ा कर देंगे? देखिए, चुनाव तो चुनाव है, चाहे नहीं, हमारा ये मानना नहीं है। चुनाव में मैंने पूर्व में जैसा बताया, हमारा संगठन पूर्ण रूप से चुनाव में जो जा रहा है, एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो हमारी प्रदेश में सरकार चल रही है और युवाओं के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के आज आपने देखा आम जनमानस के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मन है वो बना हुआ है, पहले से ज्यादा बढ़ते बना हुआ है। और जहां तक चुनाव मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे संगठन, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन हो, निरंतर आम एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता की चिंता करते हैं। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की ऐसा नहीं कि, क्योंकि जो है कि परिवार ही पार्टी है, जबकि अन्य दलों को हम देखेंगे कि एक परिवार ही पार्टी है, और हमारे यहाँ आपने देखा होगा जो पूरा पार्टी है वो परिवार है। तो इस नीति और रीति के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक आम कार्यकर्ता को पूर्ण सम्मान दिया जाता है। जो हमारी सरकार की नीतियाँ हैं, जो हमारी सरकार की जो गरीब और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए कार्य कर रही है, हमारी जो योजनाएं चाहे केंद्र की है, चाहे स्वास्थ्य संबंधित योजना हो, चाहे आपका खाद्यान्न के संबंध में कोई योजना हो, चाहे गरीब किसानों के लिए कोई योजना बनाई गई हो, चाहे वृद्धों के लिए जो योजना बनाई गई हो, चाहे वृद्धा पेंशन की पहले जो एक व्यक्ति को मिलती थी आज दोनों पति पत्नी को मिल रही है, चाहे हमारी अन्य होशियारी योजनाएं,
जितनी ये योजना बनाई कहीं ना कहीं आम जो मातृशक्ति हो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और ये निश्चित है कि जो अधिकृत प्रत्याशी होंगे, चाहे जिला स्तर पे जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख हो, तो पूर्व में आपने देखा उत्तराखंड के अंदर एक वातावरण बना था और उसमें हम लोग बहुत 13 जिलों में से आपने देखा होगा कि महिलाओं ने बड़ा चढ़ बढ़कर भाग लिया था, और जो 50% राजनीति में महिलाओं का रिजर्वेशन की जो बात करी हमारी सरकार ने, कि इससे यहाँ की जो मातृशक्ति है जानती है भली भांति, और तो ये चुनाव हम लोग जीतेंगे। और निश्चित रूप से ये जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि माइक्रो डिस्ट्रिक्टों से हमने चुनाव लड़ा है और उसको हमने जीता है उपचुनाव, उसी तरह से चुनाव होगा। और आप देखेंगे आने वाले टाइम पे भारतीय जनता पार्टी 100% लहराएगी जहां जहां पे प्रत्याशी। ठीक है, यानी भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति के साथ में जो है वो सामने आ रही है, लेकिन देखिए क्योंकि बड़ी समस्याओं का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा था, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से काफी कुछ हो रहा था जिसने बड़ा असर डाला था। खटीमा से हार पुष्कर सिंह धामी की बहुत कुछ कह रही थी, इसी पर आगे और मेहमानों की राय भी हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये देव भूमि है रही झूम, ये देव भूमि है रही झूम, उठा शला का फहरा पताका, कर उठी उद्घोष, जय तिरंगा जय जय तिरंगा जय तिरंगा जय जय तिरंगा। आजादी का अमृत महोत्सव, अपने वतन की सदा विजय हो, हम भारत के एक ही सुर हैं, एक ही मकसद जोड़ के कांधे, उठा तिरंगा सबके घर में और घर घर में, लहरा दो तिरंगा गगन गुंजा दो, जय तिरंगा जय तिरंगा जय तिरंगा जय जय तिरंगा जय जय तिरंगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ, आजादी का अमृत महोत्सव पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुपम पहल पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आगामी 13 से 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे, तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर वन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है, जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। कई खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए। आज हम इसी पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर चंपावत वाली जो धार है वो कितनी असरदार होगी, किस तरह से पार्टी जो है वो आगे आ पाएगी। हालांकि पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि हम 2024 तक पूरी पिक्चर असल में दिखाएंगे। कई खास मेहमान जो है वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। भगीरथ शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भगीरथ जी, माफ कीजिएगा, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैं चाहती हूं कि आप विस्तृत रूप से अपनी बात को पूरा करें और बताएं कि आखिर आप किस तरह से देख रहे हैं इस आने वाले चुनाव को और फिलहाल उत्तराखंड की ताजा रणनीतिक हालत को। देखिए, पहली जो चूंकि भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं और उनके सामने हरिद्वार जो पंचायत चुनाव होगा, मैं हरिद्वार का जिक्र पंचायत का इसलिए कर रहा था कि वहां भाजपा ने 5 सीटें गवाई है विधानसभा चुनाव। तो वो जो हरिद्वार जो लोकसभा क्षेत्र है, तो 5 सीटों पर पार्टी का ये चिंता तो है कि कमजोर हुई है कहीं ना कहीं। तो जो पहला तो ये है कि हरिद्वार में पंचायत चुनाव अभी हालांकि तय नहीं है और वो विलंबित हो रहे हैं बार बार, तो लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी जो है कम से कम उन 5 सीटों पर थोड़ा फोकस करेगी कि जो विधानसभा उस क्षेत्र में जितनी पंचायतें होंगी उन पर खास फोकस रहेगा। और उसमें दो ये बसपा ने भी जो ली है, बसपा का भी प्रभाव ऐसा नहीं है हरिद्वार की हर सीट पर उसका प्रभाव वाला है क्षेत्र। और जो कुमाऊं की करीब लगभग हरिद्वार मिला के और कुमाऊं की जो सीटें जो कांग्रेस को मिली हैं विधानसभा में, तो करीब 15-16 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा को कुछ नुकसान हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि इससे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र, नैनीताल, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा लोकसभा सीट जो है वहां पर पार्टी की चिंता थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने, आपने देखा होगा 2017 में कांग्रेस के पास 11 सीटें थी, इस समय 19 सीटें हैं। तो कांग्रेस ने बढ़त ली है कई विधानसभा क्षेत्रों में, तो उससे कम से कम लोकसभा की 3 सीटों पर पार्टी को अपनी स्थिति कमजोर होती प्रतीत हो रही है। इसलिए अभी से जो है ये एक पार्टी का विशेष जो है मुझे लगता है कि प्रयास जरूर रहता है कि भाजपा चुनाव हो या ना हो, उसके पार्टी के और संगठनात्मक जो कार्यक्रम हैं उनमें कभी व्यवधान नहीं आता है, वो अनवरत चलते हैं। उसमें कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण से लेके उसमें जो जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, अभी पिछले हफ्ते इनका युवा मोर्चा का प्रशिक्षण सत्र 3 दिवसीय चला, दूसरे उसके चलते हैं, तो कार्यकर्ता जुड़ा सा रहता है। अब कांग्रेस तो इन चीजों को भूल सी गई है। यह चिंता की बात यह है कि जब चुनाव आता है तो तभी खलबली होती है। समय तो कांग्रेस के पास भी बहुत है, क्योंकि अभी 2 साल है लगभग और लोकसभा की तैयारी के लिए उसको संगठनात्मक स्तर पर जो अपने कार्यक्रम हैं, जैसे पहले कांग्रेस का सेवा दल काम करता था और इस समय तो आपदा काल देखा आपने कि मानसून सीजन में इतने हादसे हुए, कहीं लैंडस्लाइड आए, कहीं गांव तहस नहस हो गए, लोगों के घर डूब गए, तो सेवा क्षेत्र में बहुत कुछ करने को था कांग्रेस के पास, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वहां झगड़े कम नहीं हो पाते हैं। तो कांग्रेस में जो संगठनात्मक जो कार्यक्रम जैसे बीजेपी करती है, तो उससे थोड़ा सा सीख करके अगर ऐसा करें तो मैं समझता हूँ कि 2024 का चुनाव और अच्छा भी और रोमांचक भी होगा और भाजपा को नई चुनौती देने के लिए भी आएगा सामने और भाजपा उस तरह अपने को भी तैयार करेगी। लेकिन कांग्रेस का तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी कांग्रेस पार्टी को भी बड़े स्तर पर हरिद्वार का होगा मैडम जी, उसमें कांग्रेस के पास लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है, वहां पर प्रदर्शन करने के लिए अच्छा मौका है और चुनाव विलंबित हो रहे हैं तब भी अच्छा मौका है और जल्दी हो जाए तो तब भी उसके पास है जमीन, बशर्ते कि झगड़े कम हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों ही पार्टियां उसमें जो है अब आम आदमी पार्टी भी पहचान बनाने की ओर है।
ठीक है, बसपा का बहुत अच्छा आधार है, तो है। मैं समझता हूँ कि पंचायत चुनाव जो है वहाँ से एक टेस्ट तो होगा ही सत्तारूढ़ पार्टी का। ठीक है ठीक है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में अमरेंद्र बिष्ट जी लगातार बने हुए, उनकी भी राय जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों में फिलहाल बेहद हम कह सकते हैं खराब प्रदर्शन के साथ में सामने आई थी, जिसके बाद और प्रदर्शन सिर्फ विधानसभा चुनावों में ही खराब नहीं रहा बल्कि उसके बाद पार्टी से जिस तरह से लोग टूटते गए, लोग बाकी की पार्टियों में जाते गए, खुद आपका मुख्यमंत्री चेहरा जो रहे थे वो भी पूरी तरह से कर्नल अजय कोठियाल आपकी पार्टी से दूर हो गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चले। ऐसे में आने वाले चुनावों को लेकर आपकी क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? देखिए, अगर आपको इस समय हरिद्वार के पंचायत चुनाव के संदर्भ में कह रहे हैं तो पहली बात यह है कि पंचायत का जो चुनाव होता है किसी भी राज्य में वो किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं होता, उसके लिए पंचायतों के अपने सिंबल होते हैं, उन सिंबल पर चुनाव होता है। हाँ, पार्टियां अपने कुछ प्रत्याशियों को खासकर जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अधिकृत करती है। तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो चुनाव है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस चुनाव में अब भागीदारी करेंगे और निश्चित तौर पर, चूंकि जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि इस चुनाव में पार्टी की छवि से बढ़कर के जो पंचायतों का चुनाव लड़ते हैं उनकी अपनी जो व्यक्तिगत छवि हो। तो इस चुनाव में लड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अच्छी तैयारी के साथ हम लोग आगे बढ़े। मुझे अभी याद आ रहा था, मैं भगीरथ शर्मा जी से बात कर रहा था कि हरिद्वार में पंचायतों के चुनाव जितनी मेरी जानकारी में है इससे पहले 2015 में हुए और उसके बाद राज्य में विधानसभा के दो चुनाव हो गए हैं, 2017 में और 2022 में। लेकिन पंचायत का चुनाव हरिद्वार का 2015 से अभी 7 साल आप लगा लीजिए अब तक नहीं हो पाया। तो इसके पीछे ऐसा क्या है कि इस राज्य में विधानसभा के चुनाव समय पर होंगे लेकिन हरिद्वार का जो चुनाव है उसको समय पर नहीं करा पा रहे हैं, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप बताइए कि 2015 के बाद से लेकर के इस राज्य में किस दल की सरकार है, और जिस दल की सरकार है वो हरिद्वार में पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हैं इतने लंबे समय में? पूरे उत्तराखंड में 2019 में 12 अन्य राज्य हैं, 12 अन्य जिले हैं, उन जिलों में भी चुनाव हो गए लेकिन यहाँ नहीं करा पा रहे हैं। मुझको लगता है, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो जिनकी सरकार है वो कहीं ना कहीं हरिद्वार से विचलित होते हैं, हरिद्वार के नतीजे उनको विचलित करते हैं, और पूर्व में भी और पूर्व के बाद फिर इस बार जैसे ही वहां भले भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों के साथ पूरे प्रदेश में अच्छे जनादेश लेकर के आई लेकिन हरिद्वार के लोगों ने फिर उनको काफी हद तक नकारने का काम किया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है मदन कौशिक जी के हाथ में थी जो स्वयं हरिद्वार जिले से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। तो कहीं ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के हरिद्वार के चुनाव को लटकाती है, जानबूझ कर वो चुनाव नहीं करवाती वहां पर ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो हार जाए। और आपकी चर्चा का जो विषय है आज आपने जो इस पर एक विस्तृत चर्चा रखी और सीधे चंपावत की सफलता से इसको जोड़ने का काम किया, चंपावत के फॉर्मूले से जोड़ने का काम किया, तो मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि हरिद्वार उनके लिए एक लिटमस टेस्ट है, हरिद्वार उनके लिए एक ऐसी चुनौती है जिसको पार करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझको लगता है कि पिछले 4 महीनों का जो कुशासन है, जो पिछले 4 महीने में उत्तराखंड राज्य में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्णी नींद में है, सोई हुई है, तो मुझको लगता है कि हरिद्वार से इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो जो डर है, उनका जो जीतने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा, ये मेरा कहना है। और हम लोग आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, हमारे कार्यकर्ता अपनी 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 जो उनकी जो निजी ख्याति है उसके आधार पर तैयारी कर रहे हैं और पार्टी उनके साथ मिलकर के खड़ी है, और चूंकि पार्टी के निशान पर ये चुनाव नहीं लड़ा जाएगा लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा पार्टी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ खड़ी है। ठीक है ठीक है। कमलेश उनियाल जी से जवाब लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं। कमलेश जी, अभी आपने सुना होगा अमरिंदर जी ने बड़े आरोप लगाए कि भाई हरिद्वार से विचलित क्यों हो जाती है आपकी पार्टी, क्यों आंखें टालने की कोशिश होती है, डर क्या है आपको? देखिए, मैं तो ये चीज कहूंगा, पंचायत चुनाव को खाली हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में ना देखा जाए। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी कहा है
वो पूरे प्रदेश को हम लेते हैं, हरिद्वार हमारे उत्तराखंड से अलग नहीं है। दूसरा, क्योंकि शुरू से ही चाहे वो कांग्रेस का कार्यकाल हो चाहे हमारा कार्यकाल हो, ये दो ही कार्यकाल चले आ रहे थे, लेकिन एक टाइम स्थिति के अनुसार हरिद्वार का जो चुनाव है वो विलम्ब से हो रहा है, इकट्ठे नहीं हो पा रहा है। तो अगर कोशिश हमारी सरकार की इस बार यह है कि चुनाव की जो स्थिति हो इकट्ठा हो, और कई कई बार ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन क्या है कि तब तक उपचुनाव या अन्य कोई स्थिति आती है, लोकसभा जाती है, कोई ना कोई ऐसी स्थिति आती है, तो उसको देखते हुए ये कहीं ना कहीं एकदम नहीं बन पा रहा है। लेकिन इसके लिए भी हमारी सरकार प्रयासरत है और इस दिशा में कार्य भी कर रही है। हम भी ये चाहते हैं कि संपूर्ण प्रदेश का चुनाव पंचायत का हो, इकट्ठा हो, जहां तक आम जनमानस का विचलना और मन की के आज आम आदमी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं ये टटोल रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या है, ये तो पूर्व के 14, 17, 19 और 24 और 22 के 22 के चुनाव में पता सबको आंकड़े पता है क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रही है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे हमारे जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, हमारी जो टीम की रचना है, संरचना है, वो पूर्ण पहले से ही इकाई और अपने बूथ स्तर पर बनी, हमारी कमेटियां हैं, समितियां हैं बूथ स्तर पर, और उनको उनका निरंतर इस चीज के लिए हमको कार्य हमारे कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है। दूसरा, जो भी केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो आपका किसान सम्मान निधि हो, उसके अलावा आपका खाद्यान्न योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, जो पूरे भारत के अंदर तो एक निम्न तबके के गरीब लोगों के लिए है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक चाहे आप लोग हो हम लोग हैं, सब इस बीमा योजना आयुष्मान योजना के अंतर्गत सभी लोग 5 लाख का बीमा हम सभी लोगों का है। अब जो लोग एक्टिव हैं या करवाए हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। उसके अलावा हर घर जो हमने केंद्र सरकार ने शौचालय किया, हर घर नल और हर नल जल की जो अभी आप देख रहे होंगे कि मैं भी अपने ग्रामीण प्रवेश से आता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में मेरा निवास है, तो करीबन अगर लाइन से देखेंगे तो मैं प्राकृतिक स्रोतों की चयन किया गया है, उनको चयन करने के उपरांत तो, उससे पूर्व प्रत्येक घर में नल लगाए गए हैं, नल लगा करके पाइपलाइन डाली गई है। अब नल लगे उसका द्वितीय खंड जो चरण है, उस चरण में स्रोतों का अध्ययन किया गया है, उनको उनकी जो साइंटिफिक या भौगोलिक स्थिति है उसको मापा गया है, उसके हिसाब से उन स्रोतों को तैयार किया है या पुनर्जीवित किया गया है या बोरिंग की गई है और टंकियां बन रही हैं, और आने वाले करीबन 3 से 4 माह के अंदर प्रत्येक नल में जल भी होगा। उसके अलावा आप चीज देखिए जो हमने प्रत्येक गैस फ्री गैस सिलेंडर की योजना हमारी सरकार ने की, केदारपुरी वाली बात हो चाहे कर्णप्रयाग, ऐसे कई जुने काम हैं और आम गरीब व्यक्ति के लिए भी है और सार्वजनिक कार्य भी है जो केंद्र राज्य सरकार ने किए। इन कार्यों को लेकर के हमारा कार्यकर्ता कोई भी चुनाव हो, चाहे वो अपने लोकसभा का चुनाव हो 2024 में या उससे पूर्व जो पंचायत का चुनाव हो उसमें जाएंगे। जहां तक हरिद्वार के प्रत्यक्ष में अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार की स्थिति के हिसाब से देखते हुए इस बार हरिद्वार में और हरिद्वार में नहीं पूरे प्रदेश में हमारी स्थिति मजबूत है और मजबूत रहेगी। अब जहां तक आम आदमी के अगर मैं पार्ट कर बात करता हूँ तो आम आदमी की स्थिति क्या रही है तो सबको पता है पूर्व चुनाव में। अब कहीं ना कहीं अब बुलाए हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, तो आरोप लगाने से पहले जो हमारे सरकार के कार्य हैं वो आम जनमानस उसे जानती है और जनता है सब कुछ जानती है, क्या कहाँ हमारा हित छिपा हुआ है, कौन हमारा विकास कर रहा है, कौन हमको हमारी जो कई कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि भाई 1 रुपया अगर केंद्र से चलता है और नीचे जाकर के 10 पैसे ही दिखते हैं, 10 पैसे का कार्य होता था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो मुद्रा योजना है जिसके अंतर्गत सीधे उनके सब्सिडी हो चाहे किसान निधि हो सीधे उनके अकाउंट में जा रही, बीच में जो बिचौलिया है उनको हमने खत्म कर दिया है। अच्छा। और इस ट्रांसपेरेंट नीति को और जीरो टॉलरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको कहीं ना कहीं आम जनमानस इसकी इसको भली भांति जानता है।
लेकिन लेकिन घोटाले जब लगातार आ रहे हों, जब लगातार प्रदेश में जनता परेशान हो, बहुत सारे मुद्दे हों जो जनता से सीधा सरोकार रखते हैं, ऐसे में जीरो टॉलरेंस की बात करना मुझे लगता है ठीक नहीं होता है कमलेश जी, है ना? मुझे नहीं लगता कि ऐसे में जब एक के बाद एक घोटाले, प्रदेश को घोटाला प्रदेश के नाम से कहा जाने लगा हो, बाकी के प्रदेशों में आपके प्रदेश की छवि इस तरह से बनती जाए, तो ऐसे में पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की बात करना मुझे लगता है सिरे से खारिज हो जाती है। खैर, इस पर भी ठीक है, ठीक है, आपके पास आएंगे कमलेश जी। हाँ, उसके अलावा जो भी कार्रवाई, जो भी संज्ञान में आया उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की गई है। नहीं, लेकिन ये कह देने भर से कार्रवाई की गई है आपकी ओर से, अगर जैसे पेपर लीक के घोटाले की हम बात कर ले या फिर जो बैंक घोटाला सामने आया था, इन सारे मामलों में किस तरह की कार्रवाई हुई, इस सबसे भी प्रदेश अनजान नहीं है। एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पर आप बता देते हैं कि इस तरह से कमी हुई, उसकी गिरफ्तारी को आप बड़े बड़ी कार्रवाई के रूप में अगर आप कहना चाहते हैं, तो वो सब ठीक नहीं है। प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और वो जानती है, मुझे लगता है कि भले आप लाख कोशिश कर लें, युवा मुख्यमंत्री का नाम ले लें, युवा प्रदेश अध्यक्ष का नाम ले, लेकिन जनता की आंखें खुली हैं। खैर, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में राजेंद्र जी हैं, उनकी राय जान लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे आपके पास कमलेश जी, तब आप अपनी बात रख लीजिएगा। राजेंद्र जी, अभी सुन रहे थे आप यहां पर कमलेश जी को, कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात है, हालांकि उनका जो हाल था कितना भी बेहाल रहा हो, लेकिन फिर भी सत्ता में वो आए, वो कैसे भी आए, पूरी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए मुश्किलें हुई खटीमा में, लेकिन चंपावत में फिर वो ठीक तरीके से जीत कर वापस आ गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए तो न खोने के लिए कुछ, न पाने के लिए कुछ, कैसे आखिर आगे बढ़ेंगे? अभी पंचायत चुनाव को लेकर कुछ तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी? गरिमा, कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उत्तराखंड, और विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए आम जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें उठाने की आवाज कांग्रेस है, न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में। अगर आज गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का है तो उसके खिलाफ आवाज कांग्रेस के सांसद संसद में उठा रहे हैं, भाजपा का कोई सांसद उसके खिलाफ नहीं है। अगर आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल है तो उसके खिलाफ भाजपा का कोई सांसद नहीं बोल रहा, उसके खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो विपक्ष के लोग। चूंकि ये डिबेट हरिद्वार के पंचायत चुनाव के संबंध में है, मैं इसके बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा, 5-6 मेरे बिंदु हैं। ठीक है, रखिए। पहला तो है कि पंचायत राज अधिनियम जो लागू हुआ इस देश, उसकी मूल अवधारणा ये कि इस देश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में जन प्रतिनिधि हो जो वहां के विकास कार्यों में सहयोग कर सके। पिछले लगभग 2 साल से पंचायत के चुनाव ना होना, जिला योजना की बैठक में बिना जिला पंचायत के प्रतिनिधियों के आप कैसे योजना बना रहे, उसमें पंचायत की प्रतिभागिता कुछ नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि ग्राम पंचायत जो है वो विकास की पहली इकाई है, आपने वहां प्रधान जो है उन्हें कार्यमुक्त होना पड़ा क्योंकि जो है उनका समय काल पूरा हो गया था, तो वहां सरकारी प्रतिनिधियों को अपना प्रशासक नियुक्त कर दिया जो अपने घर बैठ के वहां के विकास के कार्यक्रम तय कर रहे, उससे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन कम हुआ। दूसरी चीज क्या हुई कि जो बच्चे हैं, जो और लोग हैं, उन्हें बहुत से सत्यापन की जरूरत होती है जिसमें ग्राम प्रधान होता है, परिवार रजिस्टर की नकल है, वो सारे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जो काम मेरे गांव में बैठ के हो सकता है उस काम के लिए उस बच्चे को ब्लॉक में जाना पड़ेगा क्योंकि सेक्रेटरी जो है वो वहीं बैठते हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे केंद्र की योजनाएं हो, चाहे राज्य की योजनाएं हो, चाहे जिले की योजनाएं हैं, ठीक है, उनमें जन प्रतिनिधियों की सहभागिता कम है। ठीक है, ठीक है, राजेंद्र जी आप इन सारे बिंदुओं पर विस्तार से अपनी बात रखिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, बिल्कुल पूरा वक्त आपको दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, कहीं बजाएगा जो लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
आजादी के 75 वर्षों को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देशवासी हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप भी 13 से 15 अगस्त को इस गौरवमय अभियान का हिस्सा बनें और अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। बस कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। तिरंगा कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊनी, रेशमी या खादी कपड़े का बना होना चाहिए। यह हाथ से बुना, सिलाई या मशीन का बना भी हो सकता है। झंडा किसी भी साइज का हो, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना जरूरी है। पहले रात में राष्ट्र ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब हम पूरी शाम से तिरंगे को दिन रात फहरा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी राष्ट्र ध्वज फहराएं, तो उसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। केसरिया हिस्सा हमेशा ऊपर रहेगा, इसे उल्टे तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। किसी भी दूसरे झंडे को तिरंगे से ऊंचा या बराबर नहीं फहराया जा सकता। राष्ट्र ध्वज को फहराते समय ध्यान रहे कि तिरंगा जमीन से ना छुए और वो क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित ना हो। राष्ट्र ध्वज का उपयोग किसी तरह की सजावट के लिए नहीं किया जा सकता है और ना ही तिरंगे पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इन नियमों का पालन करते हुए आइए अपने देश की शान, हमारे राष्ट्र ध्वज को पूरे आदर और जोश के साथ फहराएं, हर घर तिरंगा लहराएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आगामी 13 से 15 अगस्त को आप सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं हरिद्वार के होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर। कई खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए। राजेंद्र जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, क्या कुछ आपके बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं पर अपनी बात रखिए। मैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है उस पर मैं कमलेश भाई जो हमारे उनियाल साहब हैं, मैं उनका भी ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। कमलेश जी, हरिद्वार जिले का बजट लगभग 360 करोड़ रुपए पंचायत, उसमें जिला पंचायत शामिल नहीं है, और ये लगभग 400 करोड़ रुपए सालाना के करीब जी। पिछले दो सालों ग्राम पंचायत के प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों के ना होने के कारण ये सारा बजट अधिकारियों ने खर्च किया, और इसमें भाजपा के लोगों का जबरदस्त दखल रही है योजनाओं में भी हर तरह से। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? नंबर एक। नंबर दो, जब भाजपा ने अपने तरीके से 1,000 करोड़ के करीब जनपद हरिद्वार में इन्वेस्ट कर दिए, सरकारी पैसा है, उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे किया है, तो फिर चुनाव में जाने से डर क्यों लगता? तीसरी चीज में गरिमा आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पंचायत राज अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि चुनाव 6 महीने से ज्यादा आप लिंगर ऑन नहीं कर सकते। इन्होंने कभी नगर पंचायत बनाने के नाम पर, कभी परिसीमन के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, और अभी ट्रिपल टेस्ट के लिए। लेकिन इनको डर किस बात का? मैं यही चाहती हूँ ना कि आप बताएं इनको किस बात का डर है, और वही कौन सी चीज है जिससे आपको डर नहीं है? दूसरी चीज जो हमारे भाई कह रहे थे कि 10 पैसे खर्च होते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो भ्रष्टाचार है वो दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज अगर है अच्छा तो इस देश। ठीक है। आपका आपकी बात का जवाब दूं। हाँ। मैं गरिमा जी एक चीज कहूंगा, 57 घोटालों वाली सरकार
जो पूर्व में भी इसके 2000 अगर हम लोग 2012 और 2017 के बीच के कार्यकाल खंड को देखते हैं, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश, तो ये जग जाहिर है और इसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास बना है और वो विश्वास आज भी पाए। जहां तक अभी इन्होंने एक बार बोली थी कि भाई प्रधान नहीं है तो कई चीजें विलंबित हो रहे हैं, ये हमारी सरकार है, इन्होंने कहा है कि भाई कई छात्रों को कई बार अपने मार्कशीट वगैरह अटेस्टेड कराने हैं, कोई डॉक्यूमेंट अटेस्टेड कराने हैं। अगर सेल्फ अटेस्टेड की कहीं अगर बात है तो हमारी सरकार ने सेल्फ अटेस्टेड की नई प्रणाली चलाई, और पहले अगर कहीं ना कहीं सेल्फ अटेस्टेड की स्थिति अगर आती है तो सेल्फ अटेस्टेड के अंदर तक प्रोवाइड रूप से आज की डेट में सेल्फ अटेस्टेड एक ऐसा माध्यम जो स्वयं आपकी सिग्नेचर करता है, वो कहता है कि साहब मेरा जो डॉक्यूमेंट है मेरे हिसाब से सही है, और कहीं ना कहीं स्कैनिंग में अगर गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी तभी नियम बढ़े। जहां तक आपका ये कहना है कि लिंगर लॉन्ग कर रहे हैं, हम लिंगर लॉन्ग नहीं कर रहे हैं ना, हम उसको रोकने के लिए कह रहे हैं। एक एक व्यवस्था शुरू से चाहे कांग्रेस का कार्यकाल हो चाहे भाजपा का कार्यकाल हो या हरिद्वार का चुनाव, कहीं ना कहीं एक बार अगर देखा जाए अन्य पूरे प्रदेश का चुनाव अलग और हरिद्वार का चुनाव अलग एक स्थिति बन गई। तो इस समय हमारी सरकार की प्राथमिकता इसी बात पर है कि हम लोग दोनों जो पूरे उत्तराखंड के अंदर संपूर्ण चुनाव है वो एक ही तिथि पर तय हो और एक ही और एक ही साथ उनका रिजल्ट मिले, और जो इससे जो पंचायतों के कार्य और निरंतर को गति मिलती है। ठीक है, अब इनका ये कहना है कि हमारी सरकार ने करीबन 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और अपने हिसाब से किए हैं। अरे हम तो ये कह रहे हैं है? 1,000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट किए हैं ये इन्होंने अपनी मनमर्जी से किए हैं। जो स्थिति अगर आपको इसमें लगता है कि साहब एक सरकार की भी अपनी एक देखने की नजर है, एक कार्य करने की शैली है और पंचायत की भी एक शैली है, जब पंचायत का गठन नहीं हुआ तो सरकार कोई तो विकास कार्य रोक नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट तो करना ही है, और उस हिसाब से आप भी बताइए इसमें अगर भ्रष्टाचार मामला कुछ हुआ है तो कौन किसने भ्रष्टाचार किया है। अगर कोई आपकी नजर में कोई ऐसा विधायक कोई ऐसा मंत्री है तो आए खुल करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार तो तैयार है अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन किसी के ऊपर ऐसे ही अनलगन या बेबुनियादी किसी पर इल्जाम लगाना और आम जनमानस को गुमराह करके कि साहब ऐसा हो गया ये जनता जानती है और किसी के बिना तथ्य के आधार पर आप नहीं बोल सकते हैं कि साहब इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। अरे भ्रष्टाचार तो 57 घोटाले जो कांग्रेस के कार्यकाल खंड उत्तराखंड के अंदर में वो जग जाहिर था, चाहे वो पोस्टिंग का घोटाला हो चाहे भर्ती का घोटाला हो, बैक डोर से एक विशेष करके एक गैंग जो मतलब भर्ती मतलब माफिया लोग थे वो लोग सक्रिय थे। कहीं उसकी अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें बिल्कुल कमी आए कि साहब ये बिल्कुल जीरो हो गया। आज भी अगर इस तरह का कोई मामला पाया गया है तो तुरंत हमारी सरकार ने उस पर रोक लगाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें कोई भी हो चाहे वो हमारी जन सरकार का कोई विधायक हो चाहे हमारे शासन का कोई अधिकारी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए ना अभी तो एक प्रक्रिया चल रही है जो जो संस्था जिसकी जांच कर रही है इसमें हर दिन नए नए लोग आ रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसकी जड़ तक जाने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। इस तरह के इसके अगर किसी उसके अलावा आप ये बताओ कि अगर कोई ऐसा भाई किसी विधायक के ऊपर किसी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार हो गया जो 1,000 लाख रुपए 1,000 करोड़ रुपए जो हरिद्वार के अंदर लगे। ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए देखिए भ्रष्टाचार और घोटाले दोनों की सरकारों में होते रहे चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि प्रदेश में अगर चीजें खराब हो रही हैं तो कम से कम उन चीजों पर आप ये नहीं कह सकते कि जीरो टॉलरेंस की चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजककर्ता है गोल्डी हिंग।